स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आज की एक और वीडियो, और इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में रहते हुए अपनी किताबें कैसे मंगवानी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो LMS के अंदर अवेलेबल होती हैं PDF, उनसे पढ़ते हैं, उनसे तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें किताबें ही चाहिए। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने इसका भी बंदोबस्त कर रखा है और आप इस तरीके से किताबें मंगवा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आपने जो किस तरह से वो प्रोसेस करना है और किस तरह से किताबें मंगवानी हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, और जो भी आपका स्टडी से रिलेटेड मसला होता है वो आप इस वीडियो के ऊपर, इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह उसका सलूशन। और बाकी अगर आपने डाउनलोड करनी है PDF बुक्स, वो यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, तो आप वो देख लीजिएगा और इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कैसे बुक्स मंगवानी है। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और आपने क्या करना है कि सबसे पहले गूगल में जाना है और जाना है VU बुक शॉप। आप लिखेंगे VU बुक शॉप, आपने लिखना है और ये वेबसाइट आ जाएगी और इसका लिंक भी ऐसा ही है, bookshop.vu.edu.pk। इसको क्लिक करेंगे और ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन में दो चीज़ें आती हैं कि अगर आप VU का स्टूडेंट नहीं हैं और आपको स्टूडेंट नहीं है तो फिर आपने किताबें मंगवानी तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपने यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद जो एक नया इंटरफेस ओपन होगा, इसमें आपने अपना LMS ID देना है। आपने अपना जो LMS के ऊपर पासवर्ड है वो यहाँ पे लगाएंगे और आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा VU बुक शॉप का। जैसे ही आपका लॉगिन होता है आपका यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे है, अगर आप तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपका सेमेस्टर वाइज है तो क्या करेंगे, आपने यहाँ पे अपना सेमेस्टर देखना है और अपना ADB प्रोग्राम चूज करना है या जो भी आपका प्रोग्राम है। फर्ज करें आपका BS इंग्लिश है तो आप BS इंग्लिश चूज कर लेंगे। जैसे ही आप उसको चूज करेंगे फिर उसका जो अवेलेबल डाटा होगा BS इंग्लिश वाले, ये फर्स्ट सेमेस्टर है, फिफ्थ वालों ने कैसे करनी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, या जो आगे वाले सेमेस्टर्स हैं वो किस तरह ले सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें शो हुई हैं BS इंग्लिश सेमेस्टर 1 के लिए, तो अगर हम इसको चेंज करते हैं और हम इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारा BEd है, सेकेंडरी है, तो BEd की जो किताबें अवेलेबल हैं वो भी यहाँ शो हो जाती हैं, उसके वीडियोस शो हो जाते हैं। और इसके बाद अगर हम कुछ और चूज़ करें, BS हम साइकोलॉजी करते हैं तो BS साइकोलॉजी का डाटा आ जाता है। तो अब तो करना क्या है, वीडियो लेक्चर्स चूँकि आपके सिस्टम में अवेलेबल होते हैं वो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको आप अनचेक कर दें। उसके बाद आपकी नीचे किताबें आ गई और ये BS साइकोलॉजी सेमेस्टर 1 की किताबें, इस तरह आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह जैसे ही आप उसको ऑर्डर पे करेंगे यहाँ पे उसका बिल बन के आ जाएगा, टोटल बिल है, और यहाँ पे चेकआउट आप करेंगे तो आपका बिल सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जैसे ही अगला पेज होगा, आपने अपना अगर किसी और के नाम पे मंगवा रहे हैं यहाँ पे नाम चेंज करें, फ़ोन नंबर वगैरह जो भी देना चाहें, अपना ID, और उसके बाद कंप्लीट एड्रेस आपने यहाँ पे देना है, और इसके बाद सिटी आपका कंट्री पाकिस्तान हो जाएगा, और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे अपना सिटी जो भी है आपका, ये लाजमी करेंगे और यहाँ पर उसके बाद कन्फर्म करेंगे। यहाँ पर हम दे देते हैं जैसे लिखा हुआ है, फर्ज करें फैसलाबाद है, और बाकी सारी चीज़ें ओके हैं तो हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो ये एक बिल आपके सामने आएगा, पूरी डिटेल उसके सामने है। अब क्या करेंगे कि
आपने अपडेट करना है ऑर्डर, एड्रेस अपडेट करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं सबमिट करने से पहले पहले। अपडेट ऑर्डर्स करना है तो भी आप कर सकते हैं। अपडेट ऑर्डर का मतलब है कि आप इसमें से कुछ रिमूव करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। बैक जाते हैं, हम इसको सबमिट नहीं करते। इसको हम यहाँ से चेंज करते हैं और मैं बताता हूँ कि अगर आपको मिक्स किताबें मंगवानी हैं तो वो किस तरह मंगवानी है। मिक्स से मुराद है कि पांचवां सेमेस्टर है, किसी भी आप स्टडी प्रोग्राम में हैं। तो फिर क्या करेंगे, आप यहाँ से होम पे जाएं या आप यहाँ पे आ जाएं, लेक्चर हैंडआउट को शो करें यहाँ पे। यहाँ पे आप शो कर दें इसको। जैसे ही आप इसको शो करेंगे, जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं सारी की सारी वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। फिर आप उसमें से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब आप अपनी कोर्स की चेक करें किताबें कि कौन कौन सी हैं। आप उसमें से कोई भी मंगवाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें जी हम एक ये मंगवाना चाहते हैं, एक ये मंगवाना चाहते हैं, फिर आगे जाके जी इंग्लिश की कुछ मंगवाना चाहते हैं, ठीक है, ये 502 है, 3 है, इस तरह करके आपने चूज़ करना। और जैसे जैसे आप चूज़ करते जाएंगे आपका यहाँ पर ऑर्डर जो है ना वो अपडेट होता जाएगा। और जैसे ही आप अपनी किताबें चूज़ कर लें, ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मिक्स किताबें जैसे चूज़ करनी है आपने डिफरेंट टाइप की, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे चेकआउट करना है। और जैसे ही अपडेट करेंगे आपका फिर यहाँ पे आ जाएगा, और उसके साथ आपका टोटल बिल भी है, और उसके पास आपका ये शिपिंग चार्जेस भी उन्होंने बता दिए कि इसके ऊपर इतने से चार्जेस लगने हैं। अब सारी चीज़ को ओके कर लें, कंफर्म कर लें। एक चीज़ यह है कि जो किताबें अवेलेबल होंगी वही मंगवा सकते हैं, हो सकता है कि कुछ किताबें यहाँ पे अवेलेबल ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट ऑर्डर करना है, और सबमिट ऑर्डर करने के बाद एक चलान जनरेट होगा, और उस चलान को आपने HBL में जमा करवा देना है। यहाँ देखें, ठीक है, ये आपका ऑर्डर सबमिट हो गया है। और जब तक आप ये फीस पे नहीं करेंगे आपकी ये किताबें नहीं भेजी जाएंगी। तो आपने क्या करना है, प्रिंट ऑर्डर, ये आपका ऑर्डर प्रिंट हो गया जिसके अंदर डिटेल है, और इसको आपने क्या करना है, प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके आपने बैंक में जमा करवा देना है। और ये आप सिर्फ HBL में जमा करवा सकते हैं बैंक में। तो जैसे बैंक में जमा कराएंगे ये सारा कुछ आपके पास खुद ब खुद आपके दिए गए एड्रेस पे आ जाएगा। याद रखें कि आपने अपना एड्रेस जो है ना प्रॉपर देना है, और किताबें सही से चूज करनी है, और फौरन जैसे ही ऑर्डर करें आपने बैंक में ये जमा करवा देना है आपने, और किताबें इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपके पास आ जाएंगी। तो फिर यही इतना सा काम है, जो भी आपको किताबें चाहिए वो आप मंगवा सकते हैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, समझ आ गई होगी आपको कि आपने मंगवानी कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने साइन इन करना है, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी आपको रिक्वायर हैं किताबें आप मंगवा सकते हैं। ये यहाँ पे जो है ये सीक्वेंस लिखा हुआ है कि आपने सीक्वेंस से मंगवानी किताबें। तो अगर आपने ऐसे मिक्स किताबें मंगवानी जैसे कोर्स सिलेक्शन करते हैं कि कोई सब्जेक्ट उठा लिया, कोई और उठा लिया, इस तरह सीक्वेंस नहीं होता। जैसे कि स्पेशली फिफ्थ सेमेस्टर में या कोर्स सिलेक्शन सेकंड सेमेस्टर में जाके जो होती हैं तो स्टूडेंट फिर आगे पीछे कर लेते हैं सब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से फिर आप मंगवा सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके लेक्चर हैंडआउट्स। तो इस तरह आप कर सकते हैं, और उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो भी आप तक पहुँचती रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।